अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 1.4 और आज हम इसका कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हम करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सारे पार्ट्स आपको समझाऊं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको सारे पार्ट्स ही समझाने पड़ते हैं तभी उनको समझ आती है मैथ की। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि 4 के जितने भी पार्ट्स मेरे पास ई पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जबकि मेरे पास फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, इन टू मैट्रिक्स आपस में हमें खुद ही ये बता रही है, ब्रैकेट भी आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था इसी एक्सरसाइज का, ये भी सेम वही पार्ट है। हमने सबसे पहले स्टूडेंट ये चेक करना है कि आया ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। अगर तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो आगे सॉल्व करूंगा मैं, अदरवाइज यहाँ पे लिखूंगा नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई का क्या मेथड मैंने आपको समझाया था कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू हो जाए सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, तो वो मेरे पास स्टूडेंट क्या होगा, आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हम सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 2 है, एक ये कॉलम एक ये कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का क्या मेथड आपको मैंने बताया हुआ है कि रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई का ये मेथड होता है कि रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जहां से ये स्टार्ट होगा जहां से ये स्टार्ट होगा आपस में मल्टीप्लाई प्लस फॉर्मूले का, और जहां से ये एंड होते हैं जहां पे ये सेकंड एंड होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो 2 को मल्टीप्लाई करने हमने स्टूडेंट 2 से प्लस फॉर्मूले का, और 3 को मल्टीप्लाई करने हमने 3 से। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्पेस आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस फॉर्मूले का 3 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम सेकंड रो की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 0, जो इसका मेथड है, रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब थर्ड की बारी है, थर्ड रो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मूले का माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 0 मल्टीप्लाई भी माइनस 1 0 मल्टीप्लाई भी माइनस 1 और प्लस मेरे पास फॉर्मूले का माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। यानी 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस फॉर्मूले का और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इसको क्या कर रही है, सोल्व करेंगे, देन मेरे पास वो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस सेम एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 स्पेस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना होगा। तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 13 आंसर, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 2 प्लस 3 आंसर 5 माइनस 1 प्लस 0 आंसर मेरे पास क्या आएगा माइनस 1 और 0 माइनस 6 आंसर मेरे पास माइनस 6 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, यानी बी पार्ट होगा, 4 का ए पार्ट हमारे पास हो चुके, अब मेरे पास बी पार्ट है, बी पार्ट है जी मेरे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सिंपल मेरे पास नंबर्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और लास्ट मेरे पास रो है जी माइनस 1 और 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे आया ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर तो ये मल्टीप्लाई होंगे कंडीशन के मुताबिक नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रोज के, तो तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ रोज सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ रोज इज आल्सो 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें 4
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड की बारी है। सेकंड फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस फॉर्मूले का 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मूले का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर होगा वो लाने की करेंगे कोशिश। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सेम एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 सेम, 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस करके हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे 1 प्लस 6 7 7 में से 3 करेंगे माइनस तो 4 2 प्लस 8 10 10 प्लस 3 13, ठीक है स्टूडेंट। तो 15 ये हमने दो किए हैं तो 15 4 19 होगा, 19 में से 6 हम करेंगे माइनस तो मेरे पास आंसर 13 ही आने हैं। 2 20 प्लस 8 28 28 में प्लस 6 करें तो मेरे पास आंसर 34 आते हैं। इस तरह हमने ये पार्ट नंबर बी को कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ पार्ट नंबर सी मेरे पास है जी, सी पार्ट हम कर लेते हैं यहां से स्टार्ट। 1 2 3 4 माइनस 1 और 1, ये मेरे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स है जी मेरे पास। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास है सी पार्ट। ओके, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आया ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, बिकॉज टू कॉलम्स एंड टू ही रोज हैं तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई 1, अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। अब इसको सेकंड के साथ करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस फॉर्मूले का और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, अब 4 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा प्लस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा प्लस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। लास्ट में मेरे पास माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस प्लस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। अब सेकंड को ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस फॉर्मूले का इसको ऐसे करना तो 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 प्लस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। इसको मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि पहले जो पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी, इसलिए मैंने इसको जो मल्टीप्लाई किया है वो डायरेक्ट किया है, ना कि मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 लिखे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर सेकंड रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आंसर ये है, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं प्लस, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 9 आ रहा है, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू मेरे पास 20, 12 और 3 को हम करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 15 आएगा, 16 में हम प्लस 3 करेंगे
19 मेरे पास आंसर आएगा, 20 में हम 6 करेंगे प्लस, तो मेरे पास आंसर 26 आ रहा है, 24 में 9 हम करेंगे तो मेरे पास आंसर 33 आएगा, माइनस 4 प्लस 4 करेंगे तो मेरे पास आंसर 3 आएगा, 5 में से हम 2 करेंगे माइनस तो मेरे पास आंसर 3, और 6 में से भी 3 हम करेंगे माइनस तो मेरे पास आंसर 3 आता है। तो इस तरह मैंने ये पार्ट नंबर सी जो है उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास है पार्ट नंबर डी, डी हम इसको देखते हैं 8564, लेकिन जो सेकंड मेरे पास मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 बाई 2 और यहाँ पे है जी 4। अब देखिए इसके इस मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट्स 3 एंट्रीज तो बिल्कुल इजी है, लेकिन ये जो नंबर मेरे पास आया है ये डिवाइड में है, जिसको जरा गौर से आप समझिएगा, है तो बिल्कुल इजी, लेकिन सब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको डिवाइड जो में जो आया हुआ है इसको ये सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो इजीली इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीप्लाई का जो मेथड होता है वैसे ही हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस फॉर्मूले का, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जी माइनस 4 से, फर्स्ट सेकंड से होगा। 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट माइनस 5 बाय 2 से प्लस फॉर्मूले का, और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 4 से, ठीक है कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब सेकंड कॉलम से 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 बाय 2 से, और प्लस फॉर्मूले का 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको कर रहे हैं सिंपलीफाई, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 20। अब 8 या तो आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 40 आएगा, देन 2 पर डिवाइड कर लें, लेकिन मेरे पास ये भी तो एक मेथड है कि आप इसको इससे कट कर लें, क्योंकि यहाँ इसमें क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये देखिए डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 8, यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर, मेरे पास क्या आएगा माइनस का 20, बिकॉज माइनस सेम एज इज, प्लस 5 4 आल्सो 20, अब इसको 6 2 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 16। अब इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे, ये मेरे पास 2 है तो 2 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है 3 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, बिकॉज माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस सेम एज इट इज 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। अब आप इसको क्या कर रही हैं आपस में माइनस करके या प्लस करके इसको हम आंसर में लिखेंगे, ठीक है 16 में से माइनस 20 करेंगे तो मेरे पास आंसर माइनस 4, माइनस 20 में से प्लस 20 करेंगे तो आपस में कट आंसर 0, 12 में से माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 4 आंसर, और 15 में से 16 हम निकालेंगे या माइनस का 15 प्लस का 16 इज इक्वल टू आंसर 1। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर डी का आंसर कंप्लीट हुआ है। अब मेरे पास पार्ट नंबर ई है, पार्ट नंबर ई हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, -1 2 -1 2 1 3 ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड मेरे पास मैट्रिक्स है 0 0 ही है। तो आपको भी पता है कि अगर कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या देगा 0 ही देगा। तो यहाँ से हमें आंसर इतना पता चल गया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 0 जब जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 0 आता है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 0 0 ही होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो सबको जब मैंने प्लस किया तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आया 0 0 0। तो मेरे पास अब 4 के जितने भी हमने पार्ट्स थे, 4 के मेरे पास ई पार्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल इजी है। 5 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो इजी पार्ट से हमने पहले इनको कर लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, उसने हमें ये कहा इफ 3 मैट्रिक्स आर गिवन देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है वो करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए,
अगर थ्री मैट्रिक्स मेरे पास गिवन हो तो हमने ए बी और इज इक्वल टू बी ए, हमने ये प्रूव करना है। लेकिन उसने ये भी कहा अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो प्रूव हो जाएगा, अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल, ठीक है वो नॉट प्रूव होगा। तो हम क्या करें, इसको हम सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। मेरे पास गिवन डाटा है कि ए बी को आपने बी ए के इक्वल करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा कि हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ए बी लिखा मैंने, ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है जी 1 -1 3 2 0, और बी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 1 2 -3 और -5। तो जैसे हमने पहले फर्स्ट फोर पार्ट्स किए हैं सेम एज इट इज, वही मेरे पास पार्ट गिवन है कि हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मेथड क्या होगा कि रो मल्टीप्लाई का मेथड से पहले हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि आया ये मल्टीप्लाई होते भी हैं, तो मल्टीप्लाई होने का क्या इसका है हल, कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। सेकंड में चेक किया जाता है नंबर ऑफ रोज, वो कितने मेरे पास 2 ही है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का क्या मेथड होगा कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है सेकंड कॉलम से, ये मेथड आपको मैंने बार बार समझाया है। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर वो -1 देगा, +3 मल्टीप्लाई -3 तो +-1 हो जाएगा, सो 3 × 3 = 9। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो -1 × 1 लिख लें, फिर प्लस फॉर्मूले का 3 × -3 लिखें, जैसे मैंने फोर पार्ट्स आपको पहले समझाए हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 × 2 से तो -2 आंसर देगा, प्लस फार्मूले का लेकिन आगे माइनस है तो -3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसकी बारी खत्म, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1 = 2, प्लस फार्मूले का लेकिन आगे माइनस है तो -0 × 3 = 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2 = 4, प्लस फार्मूले का आने लेकिन आगे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +−0 × 5 = 0। अब -1 और -9 - 10, -2 और -15 -17, 2 - 0 2 4 - 0 4, तो ये मेरे पास आंसर है ए बी का। अब हम क्या सोल्व कर रहे हैं जी, राइट हैंड साइड में हमने कहा कि ए बी को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी का मैट्रिक्स 1 2 -3 5 बी, और ए मेरे पास इक्वल है -1 3 2 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास बी और ए, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो पॉसिबल है इसको सोल्व करना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1, प्लस फॉर्मूले का 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस फॉर्मूले का 3, 2 × 0 = 0, -3 × -1 तो +3 बिकॉज -+ हो जाएगा, 3 × 1 = 3 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले करेंगे +−. अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, सेकंड रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 × 3 -9 3 3 9 -8, प्लस फार्मूले का आना है लेकिन +−- हो जाएगा, 5 × 0 = 5 5 × 0 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो -1 + 4 = 3 3 + 0 3 3 - 10 -7 और -9 और -9 आना है। तो अब जब मैंने ए और बी ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई किए हैं तो दोनों सूत्रों में देखें आंसर मेरे पास इक्वल नहीं आ रहा, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट मेरे पास नहीं है। तो ये ना समझिएगा कि यहाँ पे ये पार्ट हमारा ये गलत हो गया, बल्कि ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मेरे पास दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बिकॉज उसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि अगर पॉसिबल होगा ठीक है तो ठीक है, वरना आपको ये प्रूव नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम एज फर्स्ट पार्ट मेरे पास प्रूव नहीं हो सकता कि दोनों का आंसर मेरे पास इक्वल नहीं है। अब मेरे पास है जी सेकंड पार्ट, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी,
ऑब्जेक्टिव भी है, ए इंटू बी सी है, तो ब्रैकेट जब ओपन करूंगा ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी आपका बाहर ही रहेगा। अब हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ने हमें क्या कहा कि ए को मल्टीप्लाई कीजिए बी और सी से, तो सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट है, ठीक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1.3 जो हमने की थी, 1.4 में ब्रैकेट हमारे पास थी, तो हम क्या करें, सबसे पहले गिवन जो मैट्रिक्स है वो पुट करेंगे ए की जगह पे -1, 3, 2, 0 और बी की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1, 2, -3, -5 और सी की जगह पे मेरे पास आएगा 2, 1, 1 और 3। वो कहते हैं पहले बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बी सी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट ने हमें यहाँ पे कहा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1, 3, 2 और 0 ये सेम एज इट इज ही रहेगा, इन दोनों को अब आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई जब होगी तो 1 × 2, 2 + फॉर्मूले का 2 × 1, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 1, 1 + फॉर्मूले का 2 × 3, 6 अब सेकंड की बारी है -3 × 2 - 6 + फॉर्मूले का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 = 5 अब सेकंड सेकंड से -3 × 1 - 3 + -5 × 3 = 15 ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिए है। अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास सेम एज इट इज रहेगा, -1, 3, 2 और 0 अब 2 + 2 = 4 हो जाएगा, 1 + 6 = 7 -6 और -5 - 11 -3 और -15 -18 अब देखिए मेरे पास ये टू मैट्रिक्स आए हैं, अब ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो फौरन इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 × 4 -4 + फॉर्मूले का, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फॉर्मूले का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 7 -7 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास है 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 अब 0 जब माइनस से 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 2 × 7 = 14 अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन जब इसको हम 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या देगा, 0 ही देगा, बिकॉज 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही देगा। अब हम इसको कर रहे हैं प्लस माइनस, माइनस का 13 और माइनस का 4 माइनस का 37 माइनस का 7 और माइनस का 54 आंसर मेरे पास देगा वो 61 माइनस का 61 और 8 − 0 = 14 तो इस तरह हमने ये लेफ्ट साइड जो कि मेरे पास a इंटू बी सी था उसको मैंने यहां तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरे पास है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड मेरे पास है, वो जी है मेरे पास ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स सी से। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करने से पहले जो गिवन मैट्रिक्स मेरे पास है वो मैं पुट कर लेता हूँ, ए की जगह पे -1, 3, 2, 0 बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -3, -5 और ब्रैकेट है यहाँ पर जी सी की जगह पे पुट कर लेंगे 2, 1, 1 और 3 ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ने हमें कहना है कि सबसे पहले इन टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो हम इसको इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो -9 अब -1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस फॉर्मूला लाइक प्लस माइनस -3 × 5 = 15 अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर ले, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर ले, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 बिकॉज इससे ये मल्टीप्लाई होगा
टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस फार्मूले का जीरो मल्टीप्लाई बाई फाइव टू मल्टीप्लाई टू फोर और टू मल्टीप्लाई माइनस का टू मल्टीप्लाई वन हमने किया इसको प्लस फार्मूले का जीरो को इससे मल्टीप्लाई करो जीरो टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जीरो को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करो इस जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड मेरे पास मैट्रिक्स है टू वन वन और थ्री, ये सेम एज इट इज ही रहेगा। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, दो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया टू मल्टीप्लाई वन टू जीरो मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा ये और जीरो मल्टीप्लाई टू। ठीक, अब ये मेरे पास टू मैट्रिक्स आई है लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या करें आपस में प्लस कर रहे हैं, इसको हम प्लस करने की कोशिश करते हैं। माइनस वन और माइनस का नाइन, माइनस का टेन हो जाएगा, माइनस टू और माइनस का सेवनटीन, माइनस का फिफ्टीन, माइनस का सेवनटीन, टू माइनस जीरो इज टू, फोर प्लस जीरो इज फोर और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है टू वन वन थ्री से, टू वन वन थ्री से। अब क्या करेंगे हम अगेन इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई और देखेंगे आंसर इक्वल आता है या नहीं। सो रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, माइनस का टेन मल्टीप्लाई टू माइनस का ट्वेंटी प्लस फार्मूले का, लेकिन यहां से जब होगा माइनस सेवनटीन मल्टीप्लाई वन सेवनटीन। ओके, अब मेरे पास सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टेन मल्टीप्लाई होगा वन से, तो माइनस का टेन प्लस माइनस माइनस सेवनटीन को थर्टीन से सॉरी सेवनटीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी वन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई टू इज फोर प्लस फार्मूले का फोर मल्टीप्लाई वन इज फोर। अब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई वन टू प्लस फार्मूले का फोर मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको चेक करते हैं, माइनस का ट्वेंटी और माइनस का सेवनटीन, माइनस का थर्टी सेवन, माइनस का टेन और माइनस का फिफ्टी वन, माइनस का सिक्सटी वन, फोर प्लस फोर इज एट और ट्वेल्व, फोर प्लस टू इज इक्वल टू फोर्टीन, ये मेरे पास राइट का आंसर। अब हम चेक करेंगे कि आया मेरे पास लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट का आंसर मेरे पास क्या प्रूव हमने किया था, माइनस का सेवनटीन माइनस का सिक्सटी वन, राइट का आंसर माइनस का सेवनटीन थर्टी सेवन माइनस का सिक्सटी वन, एट और फोर्टीन, एट और फोर्टीन, इस तरह हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह हमने ये पार्ट नंबर वन और टू को कंप्लीट कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास पार्ट नंबर थ्री है, अभी हमने फर्स्ट टू पार्ट्स किए हैं, थ्री मेरे पास है पार्ट ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी को हमने इक्वल करना है जी। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे इसका मैट्रिक्स पुट होगा माइनस वन थ्री टू जीरो, ये की जगह पे हमने पुट कर लिया, बाकी मेरे पास बी प्लस सी है तो बी है मेरे पास वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव और प्लस सी मेरे पास है जी टू वन वन और थ्री, और ये बी प्लस सी से ब्रैकेट कहती है कि इन दोनों को पहले प्लस कीजिए देन हमने फर्स्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, सेम एज इट इज रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स टू जीरो। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस में क्या करना होगा, रो को रो के साथ हमने प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि रो को कॉलम के साथ हमने करना है, रो के साथ सेकंड रो को सेकंड के साथ अपने आपस में प्लस करना है। तो वन प्लस वन, वन प्लस टू इज थ्री, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, माइनस थ्री प्लस वन माइनस का टू और माइनस का थ्री और प्लस का टू इज इक्वल टू माइनस का टू। ये देखिए जैसे मैंने प्लस किया तो ये आपस में ये सोल्व हो चुके हैं, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करने हैं कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन प्लस में रो को रो के साथ आपस में प्लस करने हैं आपने, याद रखिएगा। तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो माइनस का थ्री प्लस फॉर्मूले का थ्री प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स हो जाएगा, इसको इसके साथ मैंने कर लिया। अब माइनस वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स। ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए मल्टी रैप कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स प्लस माइनस, माइनस जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स प्लस माइनस, माइनस जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया तो इज जीरो। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वो आंसर देगा जी माइनस का थ्री और माइनस का सिक्स माइनस का नाइन, माइनस का थ्री और माइनस का सिक्स माइनस का नाइन सिक्स और यहाँ पे सिक्स, तो ये मेरे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम प्रूव कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड ने हमें कहा कि पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, देन जो उनका आंसर है उन दोनों को हमने क्या करना है आपस में प्लस करना होगा। तो यहाँ पे टू मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है कि पहले आप ए बी को सोल्व कर लो, फिर आप ए सी को सोल्व कर लो, जो दोनों का आंसर आएगा उनको आप ऐड कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड ये है कि ए बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट करें, ए जी की ए सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट करें और प्लस सेम मैथड्स रहने आप रहने दें। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ए का मैट्रिक्स मेरे पास है जी माइनस वन थ्री टू और जीरो, ए मेरे पास है, बी हमारे पास है जी वन टू माइनस थ्री और माइनस का फाइव। अब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का मैथड क्या होगा, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन प्लस फॉर्मूले का प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा ये थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू, थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव तो माइनस का फिफ्टीन। अब टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू, माइनस का जीरो बिकॉज इससे मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई टू इज फोर, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस नाइन माइनस वन और माइनस का नाइन, माइनस का टेन माइनस का सेवनटीन, टू और फोर इन दोनों को आपस में मैंने प्लस माइनस की है, माइनस वन और माइनस का नाइन माइनस का टेन माइनस का टू और माइनस का फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस का सेवनटीन। ये मेरे पास ए बी का आंसर है। ऑल्सो ए सी, ए की जगह पे माइनस वन पुट कर लेंगे जी टू जीरो, और सी का जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो है जी टू वन वन और थ्री। अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू प्लस फॉर्मूले का थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होते हैं प्लस फॉर्मूले का सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई होते हैं नाइन, टू मल्टीप्लाई टू इज फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, टू मल्टीप्लाई वन टू प्लस फॉर्मूले का जीरो मल्टीप्लाई थ्री इज जीरो। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी माइनस का टू और प्लस का थ्री वन, ये आंसर एट देगा, ये आंसर फोर देगा, टू प्लस जीरो आंसर टू देगा। तो ये मेरे पास आंसर है ए बी का, ये आंसर है मेरे पास ए सी का। अब हम दोनों को कर रही है ऐड, नाउ ए बी ऐड होगा ए सी में, तो ए बी का आंसर मेरे पास है जी माइनस का टेन माइनस का टेन माइनस का सेवनटीन टू फोर, ये आंसर ए बी का, प्लस ए सी का मेरे पास आंसर है जी ए सी का वन एट फोर टू वन एट फोर टू। अब हम क्या कर रहे हैं, इन टू मैट्रिक्स को ए बी और ए सी मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड का मेथड क्या होगा कि रो को रो के साथ, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ ऐड होने हैं, तो माइनस टेन और प्लस वन हम करेंगे, माइनस का टेन में हम प्लस कर लेंगे वन, हम ये स्टेप कर लेते चले, माइनस का सेवनटीन प्लस का एट, माइनस का सेवनटीन और प्लस का एट हम करेंगे जी, और टू प्लस फोर टू प्लस फोर और फोर प्लस टू, इन टू मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, माइनस का टेन और प्लस वन माइनस का नाइन, सेवनटीन में से एट निकालेंगे तो नाइन, लेकिन ग्रेटर सेवनटीन है उसके साथ माइनस तो माइनस, टू प्लस फोर इज सिक्स फोर प्लस टू इज सिक्स। तो ये मैंने राइट भी सॉल्व कर लिए साइड और लेफ्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि आया दोनों का आंसर इक्वल है, लेफ्ट का आंसर मेरे पास माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन और माइनस नाइन सिक्स और सिक्स। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट, राइट हैंड
साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास पार्ट नंबर 3 जो हमने इसको कंप्लीट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास पार्ट नंबर 5 का 4 पार्ट है, 5 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसको। ए इंटू बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए को बी से मल्टीप्लाई होना है और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इससे हमने अब क्या करना है जी, प्रूव करना है लास्ट पार्ट को। लेफ्ट साइड हम सबसे पहले कर रहे हैं सोल्व, क्या हमें कहते हैं लेफ्ट साइड ए को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन ब्रैकेट में बी माइनस सी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी को सी में से करेंगे, बी और सी को माइनस करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, तीनों को इकट्ठा पहले पुट कर लेते हैं एक ही जगह पे, माइनस 1 3 2 0 और बी मेरे पास है जी 1 2 माइनस 3 माइनस का 5 और माइनस होना है इन्होंने माइनस का सी, सी इज 2 1 1 और 3, लेकिन बी और सी में ब्रैकेट है तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट लगा ली है। ठीक है, अब इन दोनों को सबसे पहले हम कर रहे हैं जी माइनस, माइनस 1 3 2 0, अब 1 में से माइनस करेंगे 2 को तो माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 3 इज माइनस 8। अब इन दोनों ने आपस में क्या होना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये पॉसिबल मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, प्लस फॉर्मूले का 3 को, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, क्योंकि रो ने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, अब फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई जब होगी तो माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 0, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 0। लास्ट में हम इनको कर लेंगे ऐड, 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 11, माइनस 1 और माइनस का 24 माइनस का 25, 2 माइनस 2 और माइनस का 0 माइनस का 2 और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने लेफ्ट साइड को मुकम्मल कर लिया है। अब मेरे पास है जी राइट हैंड साइड, राइट साइड हमें कहती है जी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को हमने माइनस करना है। तो सेम वही मेथड जो हमने पार्ट नंबर 3 किया था कि पहले आप ए बी को सोल्व कर लो, देन ए सी को सोल्व कर लो, देन आप दोनों को आपस में कर लीजिएगा माइनस। तो मैं भी सेम यही कर रहा हूँ, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए मेरे पास है जी माइनस 1 3 2 0 और बी हमारे पास है जी 1 2 माइनस 3 और माइनस का 5। नंबर ऑफ रो कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो हम इनको आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मेथड क्या होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस को 1 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इज माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 3 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 5 इज 0, माइनस 1 और माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 17, 2 और 4 ये मेरे पास आंसर हुआ स्टूडेंट ए बी का। अब हम सोल्व कर लेंगे ए सी को, ए मेरे पास है जी माइनस 1 3 2 0 ए है और सी मेरे पास है जी 2 1 1 3 2 1 और 1 और 3, ये मेरे पास ए और सी का आंसर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई रो को कॉलम के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस फॉर्मूले का 0 मल्टीप्लाई 1 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस फॉर्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, रो को कॉलम के साथ
दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले। लास्ट पीस का हम लिख लेंगे आंसर, माइनस टू और प्लस थ्री वन, माइनस वन और प्लस नाइन एट, फोर प्लस जीरो फोर, टू प्लस जीरो इज टू। तो ये मैंने कर लिए ए और बी, ए बी और ए सी को आपस में मल्टीप्लाई। अब कंडीशन ने कहा ए बी में से माइनस कीजिए ए सी को, ठीक है स्टूडेंट। अब ए बी का आंसर है मेरे पास माइनस का टेन, माइनस का सेवनटीन, टू और फोर, और ए सी का मेरे पास आंसर है वन एट फोर टू, वन एट फोर और टू, और यहां पे हमने दोनों को करना है माइनस। ये है माइनस का सिंबल, माइनस करेंगे तो सेम रो को रो के साथ माइनस किया जाता है, माइनस का टेन और माइनस का वन, माइनस का इलेवन, माइनस का सेवनटीन और माइनस का एट। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये मेरे पास थी जी माइनस का सेवनटीन और माइनस का एट, मेरे पास माइनस का ट्वेंटी फाइव, टू माइनस फोर माइनस का टू, फोर माइनस टू आंसर मेरे पास टू। अब हम चेक करेंगे कि आया मेरे पास लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है। लेफ्ट का आंसर है माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस टू और माइनस टू। हम इसका कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास राइट हैंड साइड। इस तरह हम चेक भी कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्वेश्चन जो है ठीक है या नहीं। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर फाइव को आज कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि थ्री मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है ए बी सी, फर्स्ट पार्ट मेरे पास है जी ए बी का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू होना चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर मेरे पास ए बी होल का ट्रांसपोज हो तो जब मैं उसको ओपन करूंगा तो वो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज देगा, ना कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। यानी जब मैं ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और होल का ट्रांसपोज लूंगा तो बी का ट्रांसपोज फर्स्ट पे आएगा और ए का ट्रांसपोज सेकेंड पे आएगा। उसने हमें यही कहा है कि हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है जी, हम यहाँ से कर रहे हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सोल्व। लेफ्ट साइड में कहा कि ए बी का, ए बी को मल्टीप्लाई करके आपने उसका लेने हैं ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को कर लेंगे मल्टीप्लाई, ए और बी को। तो ए मेरे पास है माइनस वन थ्री टू जीरो, ये ए है, और बी मैट्रिक्स मेरे पास है जी वन टू माइनस थ्री और माइनस का फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि आया ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं। फर्स्ट में हमने चेक करना है रो कॉलम्स टू है, सेकंड मैट्रिक्स हमने चेक करना है रोज टू, वो मेरे पास टू है, तो टू इज इक्वल टू मेरे पास है, तो हम इसको इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का मेथड क्या होगा कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन जब माइनस वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन प्लस फार्मूले का आता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो चुकी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू प्लस माइनस माइनस थ्री और फाइव फिफ्टीन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई वन टू प्लस माइनस माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाई थ्री जीरो, टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस फॉर्मूले का, लेकिन माइनस आ जाएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो जीरो। ये है मल्टीप्लाई का मेथड कि हमने रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने आपस में करना होगा मल्टीप्लाई। देन हम इसको हम सोल्व कर रहे हैं, माइनस वन और माइनस नाइन, माइनस का टेन, माइनस टू माइनस फिफ्टीन, माइनस का सेवनटीन, टू माइनस जीरो टू, फोर माइनस जीरो फोर। ये हमने कर लिया स्टूडेंट ए बी। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज लेने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी का जो आंसर है उसका मैं लूंगा ट्रांसपोज। ए बी का आंसर है माइनस टेन, माइनस का सेवनटीन, टू और फोर, और हम इसका लेंगे जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, इस पूरी रो को कॉलम बनाएगा। हम ये पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का मेथड है कि हमने इंटरचेंज करना है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये मैं चेंज कर चुका, रो को कॉलम बना चुका, टू फोर को मैं कॉलम बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास आंसर है स्टूडेंट किसका, ए बी होल के ट्रांसपोज का मेरे पास आंसर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
राइट साइड ने हमें कहा कि बी का ट्रांसपोज लीजिए, देन ए का ट्रांसपोज लीजिए, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, तो आंसर मेरे पास माइनस 10, 2, माइनस 17 और 4 आना चाहिए। यही हमने क्या करना है, प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज कर लें या बी ट्रांसपोज कर लें, वो आपकी मर्जी होगी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस 1, 3, 2 और 0, मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, जो मेरे पास रो है उसको कॉलम में चेंज करेगा, इस रो को माइनस 1, 3 और इस रो को भी क्या करेगा, वो कॉलम में चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया है, रो को कॉलम बनाया, इस रो को भी कॉलम बनाया, ये मेरे पास आंसर है एटी का। ठीक है स्टूडेंट, तो बी मेरे पास किसके इक्वल है, बी मेरे पास है 1, 2, माइनस 3 और माइनस 5 के। अब हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को कॉलम बना देगा, ये कॉलम, इस रो को कॉलम बना देगा, ये मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब ए टी भी हमने फाइंड कर लिया, बी टी भी हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम आपस में क्या कर रहे हैं, ए टी और बी टी को आपस में हमने मल्टीप्लाई करने हैं। लेकिन उसने कहा कि बी टी को हमने पहले लिखने हैं और ए टी को बाद में लिखने हैं। तो बी टी का आंसर मेरे पास है जी 1, माइनस 3, 2 और माइनस 5, और ए टी का आंसर हमने फाइंड किया था जी माइनस 1, 2, 3 और 0। बी टी और ए टी का मेरे पास आंसर मैंने यहां पर पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 1 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 दे देगा। ठीक है, जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस का 2, माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। उसके बाद मेरे पास ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, सो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 और माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, माइनस का 0। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकंड रो को ही हमने सेकंड कॉलम के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब इसका आंसर माइनस 1 और माइनस 9, माइनस का 10, 2 माइनस 0, 2, माइनस 2 और माइनस का 15, माइनस का 17, 4 माइनस 0 इज 4। तो इस तरह हमने बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया हमने, और ए का बी होल का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसका आंसर और इसका आंसर ये देखें, दोनों का आंसर मैच है, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम। तो हम इस तरह प्रूव कर चुके हैं कि अगर मैं ए बी होल का ट्रांसपोज लूंगा तो वो इज इक्वल टू होता है ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट नंबर 1। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास 6 का सेकंड पार्ट है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो 6 का सेकंड पार्ट भी सेम मेरे पास फर्स्ट पार्ट ही है। क्या है जी, मेरे पास बी सी होल का ट्रांसपोज अगर मैं ओपन करूंगा तो सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मेरे पास आंसर आना चाहिए। ये अब हम कर रहे हैं प्रूफ। उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा लेफ्ट हैंड साइड बी सी होल का ट्रांसपोज सॉल्व करने की। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, बी सी को मैं करूंगा आपस में मल्टीप्लाई। नाउ बी सी को मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बी मेरे पास मैट्रिक्स है 1, 2, माइनस 3 और माइनस 5, बी है ये। सी मेरे पास है जी माइनस 2, 6, 3 और माइनस का 9 जी। अब हम इनको करें आपस में मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज के, तो ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई का। तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस का 2 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ करना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 3 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 टू 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 5, 3 इज 15। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर
45। अब हम इनको आपस में करेंगे प्लस माइनस, तो मेरे पास ये आंसर देगा जी इज इक्वल टू माइनस टू और प्लस का 6 आंसर 4। 6 में से माइनस हम करेंगे 18, तो मेरे पास आंसर माइनस का 12। 6 में से माइनस करेंगे 15, तो मेरे पास आंसर माइनस का 9। 18 में से 14 या 14 में से माइनस 18 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 27। अब हमने बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बी सी होल का ले लेंगे ट्रांसपोज। तो बी सी का आंसर मेरे पास है जी 4, माइनस का 12, माइनस का 9 और 27, और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम बना देगा और इस रो को कॉलम बना देगा। ये देखिए ये मेरे पास आंसर आया है किसका जी, बी सी होल का ट्रांसपोज। अब हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मैंने सॉल्व कर ली है, अब हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड, बी सी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को आपस में हमने करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सी का ट्रांसपोज। सी मेरे पास है जी माइनस का 2, 6, 3 और माइनस का 9। इसका मैं ले रहा हूं स्टूडेंट ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम बना देगा, माइनस का 2, 6 और इस रो को भी वो कॉलम बना देगा। ये सी तो सी का ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू 1 to 1 to माइनस का 3 और माइनस का 5 और इसका मैं ले रहा हूं ट्रांसपोज। तो ये रो को कॉलम बना देगा, इस रो को भी वो कॉलम बना देगा। अब वो कहते हैं कि सी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किए हैं उसको आपस में कीजिए मल्टीप्लाई इस कंडीशन के मुताबिक। तो सी टी हम फर्स्ट पे लिख लेंगे, माइनस 2, 3, 6 और माइनस का 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बी ट्रांसपोज से 1, माइनस का 3, 2 और माइनस का 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस का 2 प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 6 हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस आ जाएगा, 9 को 2 के साथ करेंगे तो 18। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, 6 मल्टीप्लाई माइनस के 3, माइनस के 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और फॉर्मूले का प्लस सेम एज इट इज, और 9 5 9 5 को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो मेरे पास आंसर क्या देगा 45। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, माइनस 2 और प्लस का 6 4, सेम एज इट इज मेरे पास आंसर। ये देखें 6 में से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 9 मेरे पास आंसर, 6 में से माइनस 18 करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो जी माइनस का 12 आएगा, और माइनस 18 में से प्लस हम करेंगे 45 तो मेरे पास वो आंसर क्या देगा 27। अब हम ये किसके मेरे पास आंसर है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर है। अब हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट का आंसर है वो क्या इक्वल है राइट के, 4 माइनस 9 4 माइनस 9, माइनस 12 27, माइनस 12 27। इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है।